डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट वेक्टर is represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite order. That is, if a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite order. If a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite order. इसे हम लोग एक फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। सपोज हम लोग कंसिडर करें कि हमारे पास में कई सारे वेक्टर्स हैं, जैसे कि ए वेक्टर, इसके बाद में बी वेक्टर, अगला वेक्टर सी वेक्टर, इसके बाद में डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। कई सारे वेक्टर हमने कंसिडर किए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे वेक्टर एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी फिगर कंप्लीट नहीं, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये साइड में कंप्लीट कर लो तो ये शेप आ जाएगा एक पॉलीगन का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी डी ई एफ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉलीगन की साइड, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सभी वेक्टर का ऑर्डर एक ही है, सभी वेक्टर एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कई सारे वेक्टर एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक ही ऑर्डर में, तो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये लाइन में ड्रॉ कर दो तो मुझे क्लोजिंग साइड मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन की क्लोजिंग साइड ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगी क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये रिप्रेजेंट कर रही है क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे इसे अपोजिट ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पे बाकी सारे वेक्टर थे, इनके लिए मैंने कहा था कि एक एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे इसका अपोजिट ऑर्डर फॉलो करना है। इसका मतलब मुझे एरो जो लगाना होगा ये ऊपर की ओर लगाना होगा। तो ये साइड जो मैंने ड्रॉ करी है क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, ये इन सभी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यही है पॉलीगन लॉ की स्टेट। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस, हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर मींस रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। It is represented by the closing side of this polygon when it is taken in opposite order.